गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर थर्टी एट एंड थर्टी नाइन ऑफ जीके चैप्टर नंबर थर्टी एट इज़ अबाउट सॉब्रिकेट सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ सॉब द प्रनउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ सॉब्रिकेट सॉब्रिके मींस द निक नेम्स ऑफ समथिंग द फेमस नेम और जिनको अनऑफिशियल नेम होते हैं ये ये मतलब कि किसी रिकॉर्ड में नहीं इनको ऑफिशियली नहीं इनको माना जाता है बट अदरवाइज इनके फेमस नेम होते हैं ओके सो सॉब्रिकेट देखें कि कौन से सिटी को क्या कहा जाता है कौन सी जगह को किस नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है ठीक है सम कंट्रीज एंड सिटीज़ हैव स्पेशल नेम्स और वी कैन से निक नेम्स होते हैं ठीक है उनको सॉब्रिकेट बोलते हैं ओके फर्स्ट नंबर पे है द गार्डन ऑफ इंग्लैंड सो विच प्लेट प्लेस इज नोन एज द गार्डन ऑफ इंग्लैंड इट्स कैन यू सी पिक्चर इज़ ऑल्सो देयर सी द पिक्चर एट नंबर वन

वो उगता है सूरज ओके जापान टाइम में हमारे हम सबसे आगे है देन नंबर फोर इज़ विंडी सिटी विंडी सिटी इज़ शिकागो यू एट नंबर फोर सी द पिक्चर एट नंबर फोर शिकागो शिकागो को विंडी सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विंड मिल्स हैं ओके नंबर फाइव इज सिटी ऑफ जॉय सो सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है कोलकाता को ओके सिटी ऑफ जॉय इज़ कोलकाता देन नंबर सिक्स इज़ द लैंड ऑफ विंड मिल्स विंड मिल्स यहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स हैं कौन सी है वो जगह इट्स नीदरलैंड ओके नीदरलैंड जो है उसको लैंड ऑफ विंड मिल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विंड मिल्स हैं द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स इज़ थाईलैंड सी द वाइट एलिफेंट सी वाइट वाइट एलिफेंट ऐसे होते हैं सो वाइट एलिफेंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो कौन सी जगह है इट्स थाईलैंड नेक्स्ट एट द सिटी ऑफ़ स्काई स्क्रैपर्स सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स मीन्स बहुत ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बहुत मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं उनको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स और सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कौन सी है इट्स न्यूयॉर्क इट्स इन अमेरिका नंबर नाइन इज़ पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन इंडियन ओशियन का जो पर्ल है उस किसको कहा जाता है श्रीलंका को ओके बिकॉज इट इज इट इज़ एन आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है और ये आ, इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है ठीक नॉट कम्प्लीट आइलैंड ठीक है इसका लैंड पार्ट है वो इंडिया के साथ है ठीक है सो so, इसको पर्ल बोला जाता है इंडियन ओशियन का बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ये छोटा सा कंट्री है देन एट नंबर टेन इज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन इट्स नॉर्वे मिड नाइट सन मीन्स रात को भी सन निकला रहता है रात को बारह बजे तक भी सन चमकता रहता है दिन और रात को सन चमकता है इसीलिए उसको बोल बोला जाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे कंट्री है वहाँ पे हमेशा सन चमकता रहता है इसीलिए उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है ओके स्टूडेंट्स नाउ इन ट्रीविया वॉट इज गिवन दर इज़ अ विलेज कॉल्ड हेल इन नारवे वेरी फनी इजेंट एट जो नॉर्वे कंट्री में एक हेल नाम का विलेज है सो so, ये बहुत ही फनी सुनने में लगता है हेल मीन्स आपको पता है हेल क्या होता है नरक इसको हम बताए हैवन एंड हेल स्वर्ग और नरक सो so, हेल नाम का एक विलेज है नॉर्वे में सो स्टूडेंट दिस वॉज चैप्टर नंबर थर्टी एट नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर थर्टी नाइन जर्नी इन टू स्पेस इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्पेस में कौन कौन सा पर्सन गया है ओके okay? यस yes. इन चैप्टर नंबर थर्टी नाइन विल स्टडी जर्नी इनटू स्पेस जर्नीज इनटू स्पेस में क्या है जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं यूनिवर्स की स्टडीज़ के लिए ओके okay. वेदर uh, को फोरकास्ट करने के लिए मतलब फोरकास्ट मतलब पहले बताना भविष्यवाणी करनी ठीक है वेदर की वेदर कैसा रहेगा इस चीज़ के लिए और बहुत सारे यूजफुल परपजेज़ के लिए ठीक है एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सॉरी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को भेजा जाता है ठीक है इन सारे पर्पजेज़ के लिए इनको आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी बोला जाता से होती है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं ठीक है जो पर्सन खुद जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है मैन ऑब्जेक्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को सेटेलाइट बोला जाता है और ये इन सारे पर्पजेज़ के लिए उनको भेजा जाता है सो लेटस सी फर्स्ट नंबर पर क्या दिया है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है फर्स्ट नंबर पर हमारी जो पिक है वो है यूरी गे सो so, यूरीन कौन थे ही वॉज फर्स्ट मैन टू गो इंटू स्पेस इन अप्रैल ऑन अप्रैल ट्वेल्व नाइनटीन सिक्सटी वन नाइनटीन सिक्सटी वन में ये गए थे कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे ये वोस्तोक वन में ये सबसे पहले पर्सन थे पहले मैन थे जो वहाँ गए थे सेकेंड जो पिक है वो है वैलेंटीना करशकोवा वेल इंटीन जो है वो फर्स्ट वूमेन थी जो स्पेस में गई थी कब गई थी ये जून सिक्सटीन नाइनटीन सिक्सटी थ्री को गई थी और जिस स्पेस क्राफ्ट में ये गई थी उसका नाम था वॉस्तोक सिक्स देन एट नंबर थ्री जो पिक है वो है हमारे इंडियन पर्सन है राकेश शर्मा उनकी है ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस ऑन अप्रैल थ्री नाइनटीन एटी फोर अप्रैल थ्री नाइनटीन एटी फोर में गए थे और कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे सोयस डी 11 इस स्पेस क्राफ्ट में गए थे ओके देन नंबर फोर पे जो हमारी पिक है वो है स्पुटनिक वन ठीक है मैन मेड सेटेलाइट है स्पुटनिक वन फर्स्ट मैन मेड सेटेलाइट जो स्पेस में गया था ऑन अक्टूबर फोर नाइनटीन फिफ्टी सेवन ओके इस डेट को ये पहला सैटेलाइट था मैन मेड सेटेलाइट जो स्पेस में गया था देन नंबर फाइव पे जो पिक है वो है आर्यभट्ट आर्यभट्ट दे फर्स्ट मैन मेड सेटेलाइट ऑफ इंडिया जो हमारा मैन मेड सेटेलाइट था इंडिया का वो ये था इट वॉज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ यू एस एस आर ऑन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन की हेल्प से ये अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन में भेजा गया था और इसका नेम था आर्यभट्ट नंबर सिक्स की जो पिक है वो है द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस ऑन मार्च एटीन नाइनटीन सिक्सटी फाइव ठीक है वो पिक है अलेक्सी लेनोव ओके एलेक्सी लेनोव जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था चला था स्पेस पे चले थे वो ठीक है और कब चले थे मार्च एटीन नाइनटीन सिक्सटी फाइव को द सेवन्थ पिक्चर है फर्स्ट इंडियन वूमेन इन टू वेंट इन टू स्पेस ऑन नवम्बर नाइनटीन सेवन में गई थी ये कल्पना चावला थी ये इन कोलंबिया स्पेस शटल कोलंबिया स्पेस शटल थी उसमें गए थे और अनफॉर्चुनेटली जब ये लैंड करा तो इनकी डेथ हो गई थी कल्पना चावला की ओके सो स्टूडेंट्स दीज वर ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉट्स एंड सैटेलाइट्स नाउ इन ट्रिविया व्हाट इज देयर ट्रीविया में बताया गया है फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रांग ऑफ यू ऑन एन ट्वेंटी ऑफ जुलाई नाइनटीन जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पे लैंड कर स्टेप किया था मतलब मून पे चले थे उनका नेम था नील आमस्ट्रॉन्ग ओके ये यूएसए के थे ठीक है और ये ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन को गए थे ओके स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर थर्टी नाइन सो प्लीज़ नो आई हैव गिवन वन रिविजन असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर थर्टी एट एंड थर्टी नाइन प्लीज सॉल्व दैट रिज़न असाइनमेंट एंड लर्न ऑल दीज आंसर्स केयरफुली नो नीड टू लर्न स्पेलिंग्स ओके बच्चे थैंक यू हैव अ नाइस डे